भूमि पेडनेकर अपने दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं। 2018 में OTT पर रिलीज फिल्म लस्ट स्टोरीज का नाम तो ज्यादातर लोगों ने सुना ही होगा। इस फिल्म में ऐसे ऐसे सीन हैं कि एरोटिक मूवी के लिए बदनाम राज कुंद्रा भी शर्म से लाल हो जाए। लव स्टोरीज में 4 अलग अलग कहानियां दिखाई गई थीं। एक कहानी में भूमि पेडनेकर भी थी। भूमि ने इस पार्ट में जिस तरह के सीन्स दिए थे उससे भूमि भी शर्मिंदा हो गई। भूमि इस फिल्म में नौकरानी के रोल में थी और उसका अफेयर अपने मालिक से होता है। एक इंटरव्यू में भूमि ने कहा कि जब एक्टर नील भूपलम के साथ इंटीमेट सीन्स दे रही थी तब शुरू में वह बहुत ज्यादा नर्वस थी और उस समय उसके शरीर पर नाम मात्र के कपड़े थे, मतलब कपड़े के नाम पर, समझ गया। भूमि ने बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में कहा कि जोया अख्तर, जो कि हमारे डायरेक्टर थी, उसने मुझे और मेरे को एक्टर नील को एक कमरे में बंद कर दिया और कहा कि तुम दोनों पहले एक दूसरे के साथ कंफर्ट हो जाओ, क्योंकि तुम दोनों जब तक कंफर्ट नहीं होंगे तब तक सीन सही से शूट नहीं हो पाएगा। कुछ देर के बाद कमरे से बाहर आते ही सीन एक बार में शूट हो गया। 27 रीटेक के बाद जब सीन शूट नहीं कर पा रही थी, वह कमरे में ऐसा क्या कर गई कि कमरे से बाहर आते ही एक बार में यह सीन शूट हो गया। वेल, जो कुछ भी है, सीन बड़े से 10 से दिया गया था। आज हम बात करने वाले हैं भूमि पेडनेकर के करियर और लाइफ से जुड़ी उन बातों के बारे में जिसके बारे में शायद ही आपको पता हो। भूमि पेडनेकर के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो से अंत तक बने रहेंगे। भूमि पेडनेकर का जन्म 18 जुलाई 1989 को मुंबई, महाराष्ट्र में एक मराठी फैमिली में हुआ था। भूमि मराठी और हरियाणवी दोनों कल्चर से ताल्लुक रखती हैं। भूमि के पापा मराठी थे जिनका नाम सतीश पेडनेकर था और उनकी मां हरियाणवी फैमिली से है जिनका नाम सुमित्रा पेडनेकर है। भूमि के पिता महाराष्ट्र के होम और लेबर मिनिस्टर रहे हैं जिनकी मौत कैंसर के कारण हुई। अभी भूमि की फैमिली में 3 लोग हैं, भूमि, उनकी मां और भूमि की छोटी बहन। समीक्षा, बात करें भूमि की स्टडी की तो इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई आर्य विद्या मंदिर जुहू से पूरी की। भूमि ने काफी कम उम्र में यह तय कर लिया था कि उन्हें फिल्म लाइन में जाना है और उनके इस फैसले को उनके पेरेंट्स ने शुरू से ही सपोर्ट किया। भूमि जब 15 साल की थी तब उनके पेरेंट्स ने उनका एडमिशन एक्टिंग स्कूल व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल में करवाया, लेकिन खराब उपस्थिति के कारण 6 महीने के बाद उन्हें वहां से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद इन्होंने अपनी एक्टिंग क्लास सुभाष घई एक्टिंग स्कूल से शुरू की। यहां भूमि ने डिसिप्लिन के साथ 1 साल का एक्टिंग का डिप्लोमा पूरा किया। डिप्लोमा पूरा करने के बाद भूमि काम की तलाश में थी। तभी उनके दोस्त ने बताया कि यश राज फिल्म्स कास्टिंग असिस्टेंट डायरेक्टर की खोज में है, तुम्हें वहां ट्राई करना चाहिए। अपने दोस्त की बात मानकर भूमि वहां इंटरव्यू के लिए चली गई। इस इंटरव्यू में भूमि सिलेक्ट कर ली गई और उसके बाद वह कास्टिंग डायरेक्टर शानू साहू के साथ काम करने लगे। बतौर असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर भूमि ने सन 2007 में सुपरहिट मूवी चक दे इंडिया में काम किया। उनकी एक्शन तो सुपरहिट रही पर साल 2007 उनकी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत खराब साबित हुआ। कुछ टाइम पहले उन्हें पता चला था कि उनके पापा को कैंसर है और साल 2007 में उनकी मौत हो गई। तब भूमि की उम्र 18 साल थी। पिछले दिनों भूमि ने अपने उस कठिन समय के बारे में बात करते हुए कहा है कि जब मेरे पिता की मौत हुई तब मेरी उम्र 18 साल थी और मेरी बहन की उम्र 15 साल। कैंसर की वजह से मेरे पिता और मेरी फैमिली को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। पेरेंट्स को खोना कभी आसान नहीं होता। मेरे पापा एक बेहतरीन पापा थे और मैं हर दिन उन्हें याद करती हूँ। पापा की मौत के बाद हमने काफी साहस से एक दूसरे को संभाला और पापा के जाने के बाद मैंने और ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। भूमि यह भी बताती है कि पापा के मौत के बाद हमें संभलने में 2 साल लग गए। भूमि ने असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर कई फिल्मों में काम किया जिनमें चक दे इंडिया और रॉकेट सिंह फिल्में काफी ज्यादा सक्सेस रही। कास्टिंग डायरेक्टर का काम करते हुए डायरेक्टर मनीष शर्मा ने नोटिस किया कि भूमि को एक्टिंग में बहुत लगाव है, वह बेहतरीन एक्ट्रेस भी बन सकती हैं। इसलिए उन्होंने भूमि को उनके प्रोडक्शन में बनने वाली अपकमिंग फिल्म दम लगा के हेशा में मुख्य भूमिका निभाने का ऑफर दे दिया और भूमि इस रोल के लिए बहुत खुशी से तैयार भी हो गई। इस फिल्म में भूमि को मोटी लड़की का रोल करना था, इसलिए अपने किरदार को देखते हुए उन्होंने करीब 20 किलो वजन बढ़ाया। फोर्टिस अस्पताल के अजय कुमार कहते हैं, मुझे तो हां गलत क्या है, लगा तो नोटिस में जोकर। इस फिल्म में मुख्य एक्टर आयुष्मान खुराना और भूमि को संध्या वर्मा के नाम का रोल प्ले करना था जो आयुष्मान की बीवी है। यह फिल्म रिलीज होने के बाद से ही काफी पसंद की गई और लोगों ने भी भूमि के रोल की काफी तारीफ की।
टीम के कि तेरी इस रोल के लिए लोगों ने ही नहीं कई स्टार्स ने भी भूमि की तारीफ की, जिनमें एक्ट्रेस रानी मुखर्जी तो उन्हें मुबारकबाद देने यशराज फिल्म्स के ऑफिस पहुंच गई। दम लगा के हाइशा मूवी के लिए भूमि को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। न सिर्फ फिल्म फेयर अवार्ड बल्कि स्क्रीन अवार्ड, इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी अवार्ड से भी नवाजा गया। इस रोल से भूमि ने काफी फेम बटोर लिया था, इसलिए उसी साल उन्हें वेब सीरीज में भी काम करने को चुना गया। वेब सीरीज सितंबर 2015 में यूट्यूब पर रिलीज हो गई थी। इसके बाद भूमि 2 साल फिल्मों से दूर रही। इस दौरान इन्होंने अपना जो वजन बढ़ाया था उसे फिर से कम कर लिया। भूमि की दूसरी फिल्म एक बड़े बैनर की फिल्म थी जिसमें इन्होंने एक्टर अक्षय कुमार के साथ काम किया। फिल्म थी टॉयलेट, एक प्रेम कथा। फिल्म लोगों द्वारा काफी पसंद किए गए। इस फिल्म की कहानी तो बेहतरीन थी ही साथ ही साथ फिल्म स्वच्छ भारत अभियान का एक मैसेज भी दे रही थी। सुपर 30 ने प्यार तेरा सुपर मूवी के पहले 2 फिल्में ऐसी थीं जो समाज में कोई ना कोई मैसेज पहुंचा रही थी। फिर जब भूमि को तीसरी फिल्म मिली तो वह भी एक मैसेज ही दे रही थी। यह फिल्म थी शुभ मंगल सावधान, जिसमें मुख्य हीरो आयुष्मान खुराना थे। इस फिल्म में नपुंसकता, मर्दों की परेशानी होती है, उस मुद्दे को दर्शाया गया है। इसके बाद साल 2018 में भूमि ने करण जौहर की फेमस वेब सीरीज लव स्टोरीज में सुधा नाम का रोल प्ले किया और वेब सीरीज कितनी कामयाब रही यह सभी जानते हैं। शुरुआती फिल्मों में उनकी सभी फिल्में सुपरहिट रही, इसलिए उन्हें बॉलीवुड से बहुत सारे ऑफर मिलने लगे। साल 2019 में भूमि ने एक दो नहीं बल्कि 4 फिल्मों में काम किया। ये फिल्में थी सोन चिरैया, सांड की आंख वाला और पति पत्नी, और वो जिनमें उनकी बाला और पति पत्नी और वह फिल्म बहुत ज्यादा कामयाब रही। भूमि ने बाला फिल्म में एक काली लड़की का रोल प्ले किया था और यह उनके बेहतरीन कामों में से एक गिना जाता है। साल 2020 में भूमि ने 3 फिल्मों में काम किया था जो थी भूत पार्ट 1, डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे और दुर्गावती। ये भूमि की मेहनत और टैलेंट का ही परिणाम है जो उन्हें एक के बाद एक लगातार काम मिलते जा रहे हैं और वो तेजी से सफलता की सीढ़ी चढ़ती जा रही हैं। भूमि के सांड की आंख फिल्म ज्यादा नहीं चली, पर इस फिल्म में उनका रोल बेहतरीन था, इसलिए उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस और स्क्रीन अवार्ड से भी नवाजा गया। चलिए जान लेते हैं भूमि की लाइफ से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। भूमि की फैमिली गोवा के छोटे से गांव पेन्नी से ताल्लुक रखती हैं। इस गांव के लोग अपना सरनेम पेडनेकर लिखते हैं, इसलिए भूमि और उनकी फैमिली का सरनेम पेडनेकर है। वैसे तो भूमि स्कूल में अच्छी स्टूडेंट थी, पर फिजिक्स उन्हें बहुत कम समझ में आता था और फिजिक्स में वो 7th क्लास में फेल भी हो गई थी। भूमि बताती है कि जब वो 7th क्लास में थी तो उन्हें एक लड़के पर क्रश हो गया था और वो बोलती हैं कि वो लड़का इतना क्यूट था कि स्कूल की हर लड़की को उस पर क्रश था। जब भूमि 16 साल की थी तब उनका एक बॉयफ्रेंड था और वो उसके साथ मूवी देखने जाया करती थी और मूवी देखने के लिए ही उन्होंने बॉयफ्रेंड बनाया था। भूमि ने साल 2020 में एक इंटरव्यू में बताया कि वो पूरी जिंदगी सिंगल ही रहना चाहती हैं, ना वो किसी से शादी करना चाहती है और ना ही किसी को डेट करना चाहती है। भूमि ने मुंबई से ही कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है। भूमि की छोटी बहन समीक्षा और भूमि बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हैं और इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते रहते हैं। भूमि की पहली फिल्म दम लगा के हैशा भारत के अलावा दूसरे देशों में भी काफी पसंद की गई और विदेशों में फिल्म माय बिग फैट ब्राइड नाम से रिलीज की गई थी। तो फ्रेंड्स, यह रियलिटी ओन ऑफ भूमि पेडनेकर लास्ट ईयर बायोग्राफी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और क्या आपको भी भूमि पेडनेकर अच्छी लगती हैं ये भी बताना। चैनल को सब्सक्राइब करें।